विंटर हो या कोई भी सीजन हो, बेक्ड आइटम हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है। आज हमने बनाया है बहुत ही डिलीशियस बेक्ड आइटम, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। हमने इसको स्क्रैच से बनाया है, इवन शीट्स भी हमने घर पे बनाई है बहुत इजी तरीके से। मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पता रहे कि इसे कैसे बनाना है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना वैल्यूबल फीडबैक हमें देते रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं इसको। आज हम बनाएंगे कैनोली स्पिनच और पनीर के साथ ऑथेंटिक तरीके से, थोड़ा सा ट्विस्ट भी हम देंगे। यहाँ सबसे अच्छी बात है हम बनाएंगे जो शीट्स है वो भी घर पर फ्रॉम स्क्रैच, तो सिर्फ जैसा खाना घर पे बनाए चुटकी में हम बने आपके प्यार से। तो चले बनाते हैं बहुत ही डिलीशियस कैनोली स्पिनच एंड पनीर के साथ एज प्रोमिस्ड। और एक और बात है, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस करिएगा और शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा, प्लीज शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही स्पेशल पार्टी स्पेशल डिश। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम बनाएंगे कैनोली के लिए शीट्स। मैं यहाँ पे कैनोली जो पास्ता होती है वो यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं शीट्स के यूज़ कर रही हूँ। तो शीट्स बनाते हैं, इसको आप लजानिया के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जितना सॉल्ट स्वाद अनुसार, और इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून जितना ऑयल। मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर पानी डालकर एक सॉफ्ट डो जो है हम लगा लेंगे। इसको एकदम अच्छे से हमने फाइन डो में जो है नीड कर लिया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए करीबन आधा घंटा इसको ढक के हम साइड रख देते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ये मैंने पालक ली है, ये करीबन मतलब पूरा 1/2 kg पालक टाइप का है। इसमें मैंने डंठल पूरी हटा दी है, सिर्फ पत्ते रखे हैं। यहाँ मैंने गर्म पानी कर दिया है और एकदम जब पानी खौल जाएगा तब हम इस पालक को ब्लांच करेंगे। एक और पतीले में मैंने पानी ले लिया है और ये बर्फ़ भी डाल दी है, तो इसका हम आगे बताएंगे आपको क्या यूज़ आएगा। पानी अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें मैं ये पालक डाल देती हूँ। सिर्फ 2 से 3 मिनट हम इसको ब्लांच करेंगे गर्म पानी में। पालक के पत्ते को अच्छे से हमने पानी के अंदर इमर्स कर दिया है और इसको ढक के 2 से 3 मिनट हम खाली कुक करेंगे। 3 मिनट हो गए हैं, फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और इन पालक को जो है हम निकाल के जो हमने ठंडा पानी रखा था उसमें हम डाल देंगे। सारे पालक इसी तरीके से हम निकाल लेंगे और ठंडे पानी में डाल देंगे। इससे क्या है, पालक का जो ग्रीन कलर है वो मेंटेन रहता है और पालक की जो कुकिंग प्रोसेस है वो भी कम हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इसको 5 मिनट हम रहने देते हैं और फिर इसको बाहर निकालेंगे अच्छे से पानी को निचोड़ते हुए। अब इसमें से जो पानी है हम स्क्वीज़ आउट कर लेंगे अच्छे से, ऐसे हाथों से एकदम अच्छे से जो है हम पानी को स्क्वीज़ आउट कर लेंगे। इसी तरीके से सारे से हम पानी निकाल लेंगे बाहर और इनको अब हम स्लाइस कर लेंगे, रफली चॉप कर लेंगे हम इसको। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, फिलिंग रेडी करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। अगर आप ऑलिव ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते हो तो कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल आप ले सकते हो। इसको हम थोड़ी देर गर्म होने देते हैं। इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून गार्लिक, इसको हम सौते करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। इसमें मैं डाल दूंगी 2.5 टेबलस्पून एकदम बारीक चॉप किया हुआ अनियन। हम कुक करेंगे जब तक हमारा अनियन जो है ट्रांसलूसेंट यानी ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है पिंक कलर का, तब तक हम इसको कुक करते हैं। अब इसमें हम डालेंगे चॉप किए हुए स्पिनच जिसको हमने ब्लांच कर लिया था। इसको हम मिक्स करेंगे और 1/2 मिनट इसको हम कुक करेंगे। ये 200 ग्राम पनीर है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, ये इसमें डालेंगे।
हम अच्छे से मिक्स करेंगे और कुक करेंगे। दो से तीन मिनट हम कुक करेंगे। फ्लेम को जो है अपने को रखना है मीडियम। ये मेरे पास बेजिल लीफ है फ्रेश, मैं इनको एकदम अच्छे से हाथों से ऐसे चॉप कर ले रही हूँ। इसमें अब हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार आप डाल सकते हो। ये है पिज़्ज़ा मसाला, यानी ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, बेजिल लीव, सबका मिक्सचर, ये भी इसमें हम डाल देते हैं। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए हम एक मिनट और कुक करेंगे। बहुत ही अच्छी सी एक फ्लेवर, एक खुशबू इसमें आ रही है। ये मेरे पास एलुपिनोज है, ग्रीन एलुपिनो और पेपरिका, रेड पेपरिका। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, इफ़ यू वॉन्ट आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हो। इन सबको हम अच्छे से और कुक करेंगे, सिर्फ दो मिनट इसको और कुक करेंगे ताकि इसका जो वाटर है एक्स्ट्रा वो अच्छे से एवेपरेट हो जाए। तो इसको हम दो मिनट और कुक करते हैं। मैं थोड़ा सा स्पाइसी प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऐड किया है। जैसे कि मैंने कहा, चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से ऐड कर सकते हो। ये देखिए बहुत अच्छे से कुक हो गया है, और इसको अब हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। हमारे डो ने आधा घंटा रेस्ट कर लिया है, और अब इसका हम बनाएंगे सीड्स। इसको हम तीन पोर्शन में एक बार अलग कर लेते हैं। मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर शीट्स बना रही हूँ, आप इवन राउंड शीट्स भी बना सकते हो। तो इसको एक बार हम ऐसे रोल कर लेंगे राउंड शेप में, पहले बॉल बनाएंगे। थोड़ा सा हम आटा जो है स्प्रिंकल कर लेंगे हमारे बोर्ड पर, और इसको अब हम रोल आउट करेंगे एकदम थिन शीट में। ये देखिए एकदम पतला शीट हो गया, आप देख सकते हो नीचे से मेरा बोर्ड जो है वो भी इसमें दिखाई दे रहा है। अब इसको जो है हम एकदम साइड से लंबी लंबी शीट में हम कट कर लेंगे। शीट का जो ब्रेथ है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ये देखिए मैंने इसको इस ढंग से कट कर लिया है। अब आता है हमारा इम्पॉर्टेंट स्टेप। ये एक नॉर्मल रैक है जो जनरली हम ओटीजी में यूज़ करते हैं, उसमें इसको जो है हम थोड़ी देर रख देंगे ताकि ये पंखे के नीचे, ताकि बिल्कुल अच्छे से ये ड्राई हो जाए। इसको करीबन 15 मिनट हम छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए फ़ैन के नीचे। इसी ढंग से हम सारा प्लेस कर देंगे। इसी तरीके से मैं बाकी शीट्स भी रेडी कर लेती हूँ। अब बढ़ते हैं आगे की ओर और बनाते हैं रेड सॉस। ये मैंने ऑलिव ऑयल लिया है 1.5 टेबल स्पून। आप ऑलिव ऑयल की मात्रा थोड़ी सी कम भी कर सकते हो। इसमें मैं डाल रही हूँ ये गार्लिक, ये मैंने ली है 1.5 टेबल स्पून गार्लिक। इसको हम एक मिनट या हाफ मिनट खाली इसका कच्चापन निकालने के लिए सौते करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे एक मीडियम अनियन, मैंने एकदम बारीक इसको चॉप कर लिया है एकदम बारीक, तो एक मीडियम अनियन मैंने इसमें डाला है। अब हम कुक करेंगे जब तक ये अनियन हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता, तब तक करीबन 2 मिनट लगता है मीडियम फ्लेम में। ये मेरे पास बेजिल लीफ है, ये मैंने इसमें एकदम हाथों से ही चॉप करके डाल दिया है। बेजिल लीफ से जो है फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इवन ड्राई बेजिल लीफ भी यूज़ कर सकते हो। इसको एक मिनट हम और कुक करेंगे। ये 5 मीडियम टमेटो का मैंने प्योरे बना ली है। इसको मैंने 2 विसल कुक किया करके इसको एकदम अच्छे से हमने पेस्ट बना लिया है, और फिर इसको स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, तो इसको मैंने अच्छे से छान भी लिया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और इस प्योरे को हम इसमें डाल दे रहे हैं। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये ध्यान रखना जब टमेटो हम डालते हैं या टमेटो की प्योरे डालते हैं तो ये खूब उछलता है। तो इसको हम कुक करेंगे ढककर, और 2 से 3 मिनट इसको हम कुक करेंगे। 3 मिनट हो गया है, और अब इसमें हम डालेंगे कुछ हर्ब्स। ये मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा मसाला, यानी मिक्स हर्ब।
बेजिल, ऑरिगेनो, रोजमेरी, सबकी मिक्सचर है ये। और इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स आप स्वाद अनुसार डालिए। मिक्स हर्ब मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसको अच्छे से फिर मिक्स करेंगे। सभी फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी चीनी। ये मैंने 1/4 टीस्पून जितना इसमें चीनी डाला है। इससे क्या होगा, सारे फ्लेवर जो हमने डाला है खूब अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। इसमें मैं डालूंगी विनेगर 1 टीस्पून। मैंने एप्पल साइडर विनेगर यूज़ किया है। आप कोई भी विनेगर जो आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हो। और इन सबको हम कुक करेंगे 3 मिनट और अच्छे से मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून रेड पेपरिका। पेपरिका पाउडर है ये। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी प्योरे जो है एकदम अच्छे से कुक हो गई है। ये सॉस, रेड सॉस बहुत अच्छे से कुक हो गई है। और अब हम फ्लेम को कर देते हैं बंद। ये चीज़ को हम मेल्ट कर ले रहे हैं। हल्का सा इसमें मैंने मिल्क डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें क्रीम डाला है और 2 क्यूब मैंने चीज़ का लिया है। और इसको अब हम मेल्ट कर लेते हैं। आइए अब हम असेंबल करते हैं। ये मेरा रेड सॉस रेडी है। ये चीज़ स्प्रेड रेडी है जिसको हमने मेल्ट किया था। ये हमारा बेकिंग बोल है। तो सबसे पहले इसमें हम बेस डालेंगे ये रेड सॉस का। तो नीचे मैं ऐसे रेड सॉस को स्प्रेड कर दे रही हूँ। कि मैंने रेड सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। ये हमारी शीट्स भी एकदम अच्छे से ड्राई हो गई है। अब इनमें हम फिलिंग्स को डालेंगे। ये मैंने फिलिंग ली है। इसको हल्का सा हम ऐसे शेप में दे देंगे। शीट में हम यहाँ रखेंगे और फिर शीट को जो है एकदम टाइटली हम रोल करेंगे। ये ध्यान रखना है, शीट को हम एकदम टाइट रोल करेंगे। और जो बॉटम पार्ट है, ये सील वाला पार्ट, इसको नीचे की तरफ रखेंगे। एक और दिखाते हैं। ये देखिए मैंने इसे लिया, इसको इसके ऊपर डाला, हैंडफुल अच्छे से क्वांटिटी में मैं ले रही हूँ, शीट में डालूंगी। और इन शीट को जो है हम स्टार्टिंग से रोल करेंगे और एकदम टाइटली हम इसको इस ढंग से रोल कर रहे हैं। और बॉटम पार्ट जो है, जो लास्ट वाला पार्ट है, उसको हम इस ढंग से नीचे रखेंगे। इसी तरीके से मैं बाकी सारे भी रेडी कर लेती हूँ। हमने रोल को अच्छे से असेंबल कर लिया है। अब इन रोल्स को जो है हम इस ढंग से प्लेस करेंगे इसके ऊपर। सारे रोल को इसी तरीके से हम सजा देंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो है हमारी जो फिलिंग हमने बनाई है वो भी मैं डाल दे रही हूँ। ये ऑप्शनल, अगर आप चाहो तो इसको अवॉइड कर सकते हो, बट मेरे को बहुत ज़्यादा ये फिलिंग अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ये फिलिंग को भी थोड़ा सा इसके अंदर ऐसे स्प्रेड कर दिया है। ये हमारा जो रेड सॉस है इसको हम अच्छे से थोड़ा सा ड्रिजल कर देते हैं इसके ऊपर। ये हमारा जो चीज़ है, मेल्टेड चीज़ है, इसको थोड़ा अच्छे से हम फेंट लेंगे। जनरली थोड़ा सा ये टाइट हो जाता है तो इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। अभी ठंड का मौसम है इसलिए कई बार ये जो मेल्टेड चीज़ है ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है। हल्का सा मिल्क मिला के अगर मिक्स करेंगे तो ये एकदम आराम से ऐसे फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। इसको भी हम ड्रिजल कर देंगे अच्छे से। अब इस पे हम डालेंगे पार्मिजन चीज़। आप मोज़रेला, पार्मिजन, चेदार, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। इसको खूब अच्छे से अब हम कवर कर देंगे। मैंने अवन को जो है 180 डिग्री में प्री हीट कर लिया है और अब इसको हम डालेंगे बेक होने के लिए अवन में, जब तक कि हमारा क्रस्ट जो है सुनहरा कलर का या गोल्डन कलर की हमारी चीज़ जो है मेल्ट के रेडी नहीं हो जाती। तो इसको हम डालते हैं बेक करने के लिए। तो दोस्तों, रेडी है हमारी बहुत ही डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल ये हमारी बेक डिश। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और अपना बहुमूल्य फीडबैक हमें देते रहिएगा। तो कविता बरडिया साइनिंग ऑफ। तो मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।